नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है। और मंत्रियों का निकलना शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि पूरी तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं, किस तरीके से सभी मंत्री और विधायक जो है वो अब यहां से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास की है, जहाँ पर सभी मंत्री और विधायक निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो हैं वो अब यहाँ पर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, आखिर क्या कुछ उनका कहना है। सर, कल मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बताएंगे, ये सवाल मुझसे नहीं पूछिए आप लोग। हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा जनता ने जो हमें जनादेश दिया है, उस जनादेश पर हमें खरा उतरना है। हमें चाहे लाख कोशिश कर ली जाए, हमारी सरकार 5 साल तक पूरी मजबूती के साथ चलेगी और हम जनता के हितों अधिकारों की रक्षा करने का जो प्रण हमने लिया है, उस प्रण को हम पूरा करेंगे, चाहे उसमें कितनी बाधाएं डाली जाए। नेतृत्व किसका होगा सर? आप करिएगा। चलिए चलिए, नेतृत्व नहीं लग रहे। तो जहां एक तरफ मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि कल मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जाते या नहीं, यह उनका विशेषाधिकार है कि आखिर वो जाएंगे या नहीं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के लगातार जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। और देख सकते हैं कि सभी मंत्री और विधायक जो हैं वो इस वक्त यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम आपको सीधे सुनाएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आखिर कल मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जाएंगे उसको लेकर के क्या कुछ कहा है। अब सीधे सुनिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को आखिर उनका क्या कुछ कहना है। बन्ना जी, बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई कल को लेकर के, क्या मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे हम। ये सरकार, भैया बोलने दोगे तो बोलेंगे ना भाई। ये सरकार संविधान में विश्वास करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, ईडी को जो भी कॉपरेशन करना है करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार को अपदस्थ करने की साजिशें चल रही हैं वो साजिशें बेनकाब होंगी। ये गठबंधन की सरकार पूरा 5 साल पूरा करेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। आप लोग भी जा रहे हैं क्या साथ में कार्यकर्ता? नहीं, क्यों, क्या जरूरत है? हमारे मुख्यमंत्री जी को सम्मान हुआ है, मुख्यमंत्री जी जाएंगे और जाकर जो भी ईडी की जो क्वारी है उस पर बात करेंगे, और जो भी उनको कॉपरेशन की जरूरत है वो करेंगे। हम संविधान में विश्वास करते हैं। अरे भाई, कार्यकर्ताओं पर आपका या हमारा नियंत्रण होता है क्या? जन सैलाब को कौन रोकता है? जन सैलाब को कोई नहीं। जब पानी, बारिश का पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो अपने रास्ता बना लेता है। तो आपने यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल ईडी दफ्तर ज़रूर जाएंगे। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है तो कार्यकर्ता एक समंदर की तरह है, उनका हुजूम जो है वो ज़रूर उनके साथ रहेगा, उनका समर्थन ज़रूर यहाँ पर रहेगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जो है वो भी इस वक्त यहाँ पर निकल चुके हैं, और हम लोग उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। रणनीति तय हुई? कोई रणनीति नहीं, यही रणनीति है, यही कि हम लोग उनके आए थे पे गठबंधन दल के बैठक हुई है, उसमें सारे विधायक ने उनको कहा कि आप मेरा नेता है और आगे भी रहिएगा, बस इतना ही। तो कल मुख्यमंत्री जो है ईडी कार्यालय जाएंगे तो ऐसे में कल, क्या कुछ कल को लेकर भी चर्चा हुई? नहीं, वो उस पर कुछ नहीं बोले। और क्या रणनीति बनी आगे, अगर मान लीजिए कुछ नहीं, कुछ ऐसा कुछ परिस्थिति अगर विपरीत होती है? नहीं, आप बोले हम अभी हमारा नेता है, अभी कहीं सोचेंगे हमारा नेता नहीं रहेंगे, अभी नेता है, वो नेता रहे, हम लोग उनको मान रहे हैं, यही बात है। और जो बाहर से आ रहे हैं जो कार्यकर्ता वगैरह, उनको कैसे? हमारा, हमको तो जानकारी नहीं है, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं आ रहा। जेएमएम के बहुत सारे कार्यकर्ता, इसके बारे में तो वही बता पाएंगे, हम कैसे बताएंगे, ये सब चर्चा उसमें नहीं थी। सर, मीटिंग अच्छा नहीं रहा, आपका चेहरा ऐसा लग रहा है। बढ़िया मीटिंग चला, बस गपशप किए, हाँ बोले हम लोग शुभकामना दिए, और हम बोले कि आप हमारा नेता है, आगे भी हमारा नेता रहे। उनके अलावे और भी कोई नेता स्वीकार होगा? इस संबंध में बातें नहीं हुआ तो क्या बताएंगे। तो आपने यहाँ पर सुना कि
आलमगीर आलम ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा नेता वही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कोई भी रणनीति ऐसी नहीं बनी है और जो भी परिस्थितियां रहे हमारे नेता वही रहेगा। और भी लोग ये देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे बातचीत करने की आखिर क्या कुछ रणनीति बनी है, चूँकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ये तो जरूर स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूर ईडी कार्यालय जाएंगे। और बाकी दोनों ही मंत्रियों ने कहीं ना कहीं इस बात को कहते हुए कहीं ना कहीं इस बात से डिनाई भी किया है, उनका विशेषाधिकार बताया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जरूर ये स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूर जाएंगे ईडी कार्यालय और उनका जो जितने भी कार्यकर्ता आ रहे हैं वो जन सैलाब की तरह सभी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सम्मान का तो सम्मान कर ही रहे हैं, लेकिन जो लगातार जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से एक साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार को अपदस्थ करने का, अस्थिर करने का, और जो जनता ने 3.25 करोड़ जनता ने हमें जो जनमत दिया है, जो बहुमत दिया है, उसको लूटने का प्रयास किया जा रहा है, तो जनता के साथ कोई भी अन्याय को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार करते रहेंगे कि कौन अब कौन सी एजेंसी काम कर रही है और कौन से लोग काम कर रहे हैं, राजभवन कहाँ है, बाकी लोग कहाँ हैं, कौन लोग उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, उन सबको उखाड़ फेंकने का हम लोग भी काम करेंगे। सभी विधायक एक जगह रहेंगे, बिल्कुल सब लोग मिलते जुलते रहेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम देश भर के कार्यकर्ता थे और जो लोग उनसे सहानुभूति रखते थे वो सब लोग थे, जो लोग इनसे भी सहानुभूति रखते हैं वो रहेंगे। मतलब आप भी रहेंगे तो सर, कहीं ना कहीं कल मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जाएंगे सर? नहीं नहीं, देखिए ईडी कार्यालय जाने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया है, मुख्यमंत्री जी को तय करना है, लेकिन उसमें कौन लोग जाएंगे कौन लोग नहीं जाएंगे इस तरह की कोई रणनीति नहीं बनती है। हमारी रणनीति ये है कि जो कोई अपदस्थ करने की हमारी सरकार को कोशिश करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं और हम लगातार उसका मुकाबला करने के लिए लगातार रणनीति बनाते रहेंगे। सर आज क्या हुआ बैठक में, तभी कुछ ठोस कम शब्दों में बता दीजिए। नहीं नहीं, बैठक में सीधी सी बात है, बैठक में क्या होना है, बैठक में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से सरकार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हम सरकार आपके द्वार है और आप जो है हमारे द्वार आए जा रहे हैं, तो कैसे जनता जनहित में काम हो उस पर चर्चा हुई है। विधायक जनता के विधायक है, जनता ने चुन के भेजा है, तो जनता के मत के हिसाब से वो अपना काम करेंगे, यहाँ रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपने यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर को सुना, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से अपनी बातों को यहाँ पर रखा है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उन्हें अगर वहाँ जाना है तो ज़रूर वो वहाँ जाएंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सभी कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे। अगर जिस तरीके से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का के साथ सभी लोगों का समर्थन और प्यार था तो सभी लोग वहाँ पर जुटे थे, मगर आप देख सकते हैं कि अभी भी सभी जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर अब निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर वही प्यार यहाँ के भी लोगों में रहेगा तो ज़रूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सभी लोग मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस वक्त आप देख सकते हैं, सभी विधायक जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अम्बा जी, क्या मैडम क्या कुछ तैयारियां आज की गई हैं? देखिए आज समीक्षा बैठक थी, हम लोग जिस तरह से सरकार आपकी द्वार चलाए हैं उसमें कैसे कैसे काम हो रही है और कहाँ पे हम लोग का कमी हो रहा है वो सारा चीज़ों का हम लोग आकलन कर रहे थे। और जो हमारे सरकार को गिराने का और कोशिश किया जा रहा है, जिस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो षड्यंत्र पूरी तरह से विफल होगी। ये हमारे मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जाएंगे? हाँ जाएंगे, जाएंगे। मैम आप लोग का भी समर्थन रहेगा उस पूरे कारवा में जाते हुए ईडी कार्यालय तक? वहाँ पे वही जाएंगे, सिर्फ वही जा रहे हैं। और जेएमएम के कार्यकर्ता मैम जो आ रहे हैं उन लोगों का क्या कुछ तैयारी रहेगा, क्या जन सैलाब की तरह वो भी मौजूद रहेंगे इसमें? ठीक है, कल तो वो जाएंगे और बाकी जो आ रहे हैं कार्यकर्ता वो तो जेएमएम की पार्टी में जो उनका जो स्ट्रैटेजी है वो उनको पता होगा। इधर पीछे पीछे प्रदीप, एक मिनट ठेलो नहीं यार, उधर सा रुकिए मैडम, मैडम मैडम प्रदीप इधर, मैडम हो गया बात, हो गया बात, कोई रणनीति नहीं, हम साथ साथ हैं। आपने स्पष्ट रूप से सुना कि
यहाँ पर कोई भी रणनीति जो है वो नहीं बनी है और सभी लोग एक साथ यहाँ पर हैं और सभी एकजुट रहेंगे। ये पूरी तस्वीरें जो है इस वक्त आप देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास की है। सभी लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि हम एकजुट हैं, एक साथ रहेंगे और सभी अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ममता जी भी यहाँ से निकलती हुई। बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? जी, जो पिछले दिनों जो कार्यक्रम चलाया गया राज्य सरकार के द्वारा, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा, उस विषय पे चर्चा की गई। कल 15 नवंबर थी, उस पे चर्चा की गई और जो भी कार्य हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहे हैं उसी पे चर्चा की गई और बस आपसी बैठकें थी। कल के बारे नहीं, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ और ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं और ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री अगर ईडी कार्यालय जाएंगे तो कांग्रेसी भी जाएंगे विधायक? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया, वो अपना जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। तो कल कितने बजे मुख्यमंत्री जाएंगे, क्योंकि आभार यात्रा भी निकल रहा है? वो हमें जानकारी नहीं है, वो सीएम साहब ही बता पाएंगे। 11 बजे फिर से बैठक है, किस मुद्दे को लेकर है? वैसी कोई बैठक नहीं है बस। तो आप ये देख सकते हैं सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर अब बेरमो विधायक अनूप सिंह भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हम लोग इनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की, आखिर क्या कुछ उनका कहना है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुमार जयमंगल अब यहाँ से निकल चुके हैं, कुछ खास बातचीत उन्होंने मीडिया से नहीं की है और पूरी तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास की देख रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने मीडिया से ऐसी कोई भी बातचीत नहीं की है। तो यहाँ पर आपने तमाम मंत्रियों और विधायकों को सुना, जहाँ पर कई सारे लोग इस बात से इनकार कर रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं, तो वहीं दूसरी ओर कई सारे लोगों ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाएंगे। और साथ ही साथ जब कांग्रेसी विधायकों से पूछा गया कि अब वो मुख्यमंत्री के साथ ईडी कार्यालय तक जाने का काम करेंगे, जो कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं उनके साथ जाने का काम करेंगे या नहीं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी कोई भी रणनीति नहीं बनी है। तो इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से, मैं पूजा, नमस्कार।